नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, हमें कीर्ति लेकर हाजिर हूं 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में आज से अनलॉक शुरू, 50% कैपेसिटी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू। सेना की पूर्वी कमान के नए कमांडर होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, आज से संभालेंगे पद। दिल्ली में आज से अनलॉक की तैयारियां शुरू, इंडस्ट्रियल एरिया को दो तरह से मिलेगी रियायत। पश्चिम बंगाल में कम हुई कोरोना की रफ्तार, 2 हफ्ते बाद संक्रमण के सबसे कम 11,284 मामले। कोरोना पर मदद के लिए यूक्रेन आया आगे, यूक्रेन से 184 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप भारत पहुंची। रूस और पाकिस्तान के बीच बड़ी डील हुई, फाइनल भारत के लिए झटका। इमरान खान ने कहा कि अगर भारत कश्मीर की पुरानी स्थिति बहाल करे तो पाकिस्तान बातचीत को तैयार। अमेरिका में भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 20 घायल। चीन में कोरोना वायरस के नए मामले, कुछ इलाकों में लगी पाबंदियां। ऑस्ट्रेलिया के इस्लामिक नक्शे पर गहराया विवाद, तुर्की ने भी जताया कड़ा ऐतराज। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन खुलेंगी दुकानें, लखनऊ समेत 20 जिलों को नहीं मिली कोई छूट। उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छी पहल, पटरी दुकानदार और रिक्शा वालों का टीकाकरण अभियान 15 जून से होगा शुरू। कोरोना संक्रमित सपा सांसद आजम खां की हालत गंभीर, किडनी और चेस्ट में भी आई दिक्कत। बलरामपुर में कोरोना संक्रमित का शव नदी में फेंकने के मामले में 2 युवक गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए किया गिरफ्तार। लखनऊ में धर्म छिपाकर शादी करने वाला फर्जी दरोगा गिरफ्तार, 6 साल तक किया रेप। IPL 14 के दोबारा शुरू होने से पहले KKR को झटका, पैट कमिंग्स टूर्नामेंट के दूसरे हिस्से के लिए नहीं रहेंगे उपलब्ध। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन के फाइनल में हारी मैराकॉम, कजाकिस्तान की नाजिम काजाबे ने दी शिकस्त। पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकलम का बड़ा बयान, कहा इंडिया की सी टीम की श्रीलंका को दे सकती है मात। टेस्ट में भारत के सबसे कामयाब कप्तान है विराट कोहली, धोनी को छोड़ चुके हैं बहुत पीछे। सौरव गांगुली के खिलाफ ग्रेग चैपल ने फिर उगला जहर, द्रविड़ को लेकर दिया बड़ा बयान। बिकनी पहने पूल में उतरी कियारा आडवाणी, शेयर की तस्वीर। सपना चौधरी ने अपनी नशीली आंखों से बनाया फैंस को दीवाना, वायरल हुआ फोटोशूट का ये वीडियो। माधुरी दीक्षित के बेटे अरिम हुए ग्रेजुएट, एक्ट्रेस ने फोटो शेयर की कर दी बधाई। एक्टिंग छोड़ कंस्ट्रक्शन का काम कर रही शिल्पा शिंदे, वीडियो शेयर कर दी सलाह।
परेश लावन ने चलाई स्कूटी और पीछे दिल थाम के बैठी शिल्पा शेट्टी। अभिनेता के बर्थडे पर एक्ट्रेस ने शेयर किया मजेदार वीडियो। पांच 25 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।